नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो चार्ट देखने वाले हैं, ये देखो ये चार्ट है, ये चार्ट आप देख सकते हैं। अभी हम 5 साल का ये चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। अभी ये चार्ट चल रहा है 1280 पे और ये लास्ट 1280 पे आया था 18 अप्रैल 2022 को। अभी फिर से ये स्टॉक यहाँ पर आया है तो अभी होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ही ये जो चार्ट का लेवल है ये 1200-1300 के पास में जाएगा तो प्रीवियसली इसका जो हाई था 25 अप्रैल का, तो वहाँ पर जो ट्रैपिंग हुई थी लोगों की जो फंस गए थे वो यहाँ पर शेयर को बेचेंगे। इसी की वजह से ये जो आपको ये जो कैंडल दिख रही है फिक्की फिक्की, जहाँ पर ये जो सिर्फ लाइन है, जो डार्क कैंडल नहीं है लेटेस्ट वाली आप देखो, तो यहाँ पर ऐसे ये लाइट कैंडल बनेंगी। और जैसे ही 1312 के पास और 1315 या फिर 20 इस लेवल पे जब ये डार्क कैंडल बनेंगी, उस समय समझ लेना कि इसमें नई बाइंग आ रही है और ये न्यू हायर बनाने के लिए तैयार है। तो ये था चार शारदा एनर्जी कंपनी का। आप देख सकते हो ये कंपनी एनर्जी में है, पावर में है, इसलिए ये कंपनी अप ट्रेंड में है। क्योंकि TD पावर देख सकते हो, मैक पावर, CNC, ये सारे कंपनियाँ भी अप ट्रेंड में चल रही है। तो ये भी कंपनी उसी सेक्टर के है तो इसलिए ये भी अप ट्रेंड में है। तो इस लेवल पे जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, कौन सा 1300-1310 या 1320, जब भी यहाँ पर एक फुल्ली डार्क कैंडल बनेगी ग्रीन वाली, और वॉल्यूम आप देख सकते हो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में वॉल्यूम है। जैसे ही ये फुल्ली क्रॉस देगा 1200 या फिर 1320 का, आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। अभी मैं आपको इसका फंडामेंटल बता देता हूँ थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो शारदा एनर्जी 4500 करोड़ की कंपनी है, 7 का PE है, सस्ती अंडर वैल्यू, 900 का बुक वैल्यू, 1200 का प्राइस चल रहा है, 19 का ROC और 18 का ROE। FII ने इसमें 0.5% की होल्डिंग बढ़ाई है और DIS ने 0.32%। EPS 3 साल का 68 का है, सेल्स ग्रोथ 28 की, प्रॉफिट की 67% की 3 साल की। अभी प्रोस देखेंगे तो कंपनी का जो CAGR है पिछले 5 साल का प्रॉफिट का वो 23% का है, कौन सी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम सेल्स देखेंगे ईयरली बेसिस पे तो 3000 करोड़ था 22 में, 23 में हो गया 4000 करोड़। मार्जिन देखें 35 से 25 हो गई है और नेट प्रॉफिट 800 से 600 हो गया है। ईयरली बेसिस पे कम है लेकिन फिर भी सेल्स बढ़ रहा है, इसलिए मार्जिन में इसका ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो रिजर्व देखें तो 2900 करोड़ से 3300 करोड़ हो गया है और जो बोरोइंग देखे वो 1500 करोड़ से 1400 हो गया, कम हो गया, ये अच्छी बात है। CWIP में देखें तो 130 करोड़ का एक्सपेंशन होने जा रहा है। अगर हम इसका FIS में होल्डिंग देखें तो 1.91 से 2.44 हो गई है और DIS के 3.44 से 3.76 हो गई है। तो FIS का DIS का भरोसा इसमें बना हुआ है। चार्ट का पैटर्न अप ट्रेंड में है, 50 DEMA और 200 DEMA का सपोर्ट है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, तो इसकी वजह से ये कंपनी में डाउन साइड का रिस्क बहुत कम है। आप इसमें निवेश करके चल सकते हो लेकिन ये कोई टिप्स वगैरह नहीं है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है एजुकेशन पर्पज़ के लिए। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, ऐसे ही शेयर चाहते हो आगे भी डिस्कस होने से रह जाइए, तो प्लीज़ हमें कमेंट में कंपनी के नाम लिखो और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।